For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए हम लोगों ने डिपोजिटरी सिस्टम पढ़ना शुरू किया था. हमने एक डिस्कशन किया था और वो डिस्कशन बेसिकली जो है एक दर्द से निकला था और वो था एक स्कैम. एक स्कैम हुआ था जिसमें फिजिकल सेल सर्टिफिकेट का घोटाला हुआ था. कहा गया कि दोबारा ऐसा घोटाला ना हो इसके लिए क्या किया जाए. कहा इसके लिए जो है हमने टीम बनाई और उनसे सलाह लिया. एक ने कहा कि शेयर्स को ऐसे जगह पे रखो जिनके पास एक्सपर्टीज हो जो तुरंत देख के बता दे कि ये शेयर्स जो है वो असली है या नकली है. कहा ठीक है. और कहा दूसरी तरफ कहा कि दूसरे जो है वो बॉडी ने बेसिकली हमें कहा कि क्यों ना हम इसे रखें किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. अगर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेंगे तो ना शेयर रहेगा फिजिकल फॉर्म में, ना उसका क्या होगा घोटाला. कोई असली नकली छपवा करके किसी को नहीं दे देगा. पैसा ले लिया और झूठा छपवा के जो है वो फोटोशॉप में जाकर के अच्छा करके दे दिया कि ये लो आपके क्या है सर्टिफिकेट है. तो इसके लिए हमें शुरू किसको बनाना पड़ा, डिपोजिटरी सिस्टम. जब हमने डिपोजिटरी सिस्टम बनाया तो कोई भी सिस्टम तभी चलता है जब उसके कंपोनेंट हो और उसमें पार्टिसिपेंट्स हो. तो कहा कि इसके तीन मेजर कंपोनेंट, डिपोजिटरी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट और हम और आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके. कहा कि जब तक आप इस डिपोजिटरी सिस्टम में कहीं ना कहीं इन नहीं करेंगे तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को अपने पास नहीं रख सकते. कंपनी इस सिस्टम का पार्ट बनती है. कहां पे बनती है वो जो है वो किनको बुलाती है, डिपोजिटरी को. और यहां पे उन्हें कहती है कि हमारे शेयर्स किस फॉर्म में रखो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. वो इस सिस्टम का पार्ट यहां पे बनी. हम और आप इस सिस्टम का पार्ट कहां बने, हमने अपना डीमैट अकाउंट किनके पास ओपन किया और तब हम इस सिस्टम का पार्ट बने. अगर हमारा डीमैट अकाउंट ना हो और कंपनी के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो भी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसे अपने पास नहीं रख सकते. हमारा डीमैट अकाउंट है, कंपनी के शेयर्स ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो भी उस कंपनी के शेयर्स को हम अपने पास नहीं रख सकते हैं. जैसे बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई है वैसा ही रोल प्ले करता है कौन, डिपोजिटरी. जिस तरह से आरबीआई अपने नीचे बैंकों को जो है वो रखता है और उनको जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक वैसे हमारे पास यहां कौन है, डिपोजिटरी, जो अपने भीतर किनको बनाते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को जो है वो बनाते हैं. जैसे बैंक में जाकर के हम और आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं ताकि हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर सके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसे को रख सके, ठीक वैसे ही हम और आप डीमैट अकाउंट अपने पसंद के किसके पास करते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास करते हैं. इसके बाद हमने बैंक और इनके बीच में कंपैरिजन देखा था, बेनिफिट्स देखा था क्या है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का. फिर हमने देखा था कि ये जो तीन विंग है उसमें पहला विंग डिपोजिटरी, तो क्या कोई भी मुंह उठा के आएगा और डिपोजिटरी बन जाएगा, कहा गया कि नहीं, ये लोग एलिजिबल है क्या बनने के लिए, डिपोजिटरी बनने के लिए. तो अगर आप इनमें से कोई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं सेबी के पास, लेकिन प्रोसेस ये रहेगा, इस प्रोसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. ठीक ऐसे ही कहा कि अगर कोई डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाहता है तो कहा कि ये सारे वो शानदार लोग हैं, ये लोग बन सकते हैं और इनको क्या करना पड़ेगा, ये वाला प्रोसेस जो है वो इन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा. फिर कहा कि अगर कोई डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहे तो डीमेट अकाउंट के लिए कहा कि कोई भी पर्सन आ सकते, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, चाहे एचयूएफ हो, हर कोई अलाउड है, वो एलिजिबल है और इस प्रोसेस से आए तो हम उसको ये सारा चीज क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे. फिर हम लोगों ने देखा था कि डीमैट अकाउंट होने के बाद हमें वेलकम किट में क्या क्या मिलता है और फिर हमने ट्रेड शुरू कर दी थी. ट्रेड करने के लिए जब हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये ट्रेड हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट ना हो. और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो किसके पास ओपन होता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है ब्रोकर के पास. अगर हमने ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है तो वहां पे हमारा कैश सेगमेंट भी होगा और शेयर सेगमेंट भी होगा. ट्रेडिंग अकाउंट के ही दो पार्ट हैं, एक में कैश अकाउंट और एक में क्या है, शेयर अकाउंट. और इस शेयर अकाउंट का कंट्रोल किसके पास रहता है, ब्रोकर के पास. और इसके पीछे का लॉजिक आपको मैंने समझाया था कि क्यों ब्रोकर के पास दिया जाता है, ताकि अगर हमने शेयर्स खरीद लिए और पूरे पैसे नहीं दिए और कहते हैं कि पूरे पैसे भी नहीं दे रहे और फोन भी नहीं उठा रहे तो बंदे को बेचना तो पड़ेगा ही, या तो पूरे पैसे दे दीजिए. अगर आपने पूरे पैसे दे दिए तो ये शेयर्स अकाउंट में रहेगा नहीं, इसका परमानेंट ठिकाना शेयर अकाउंट नहीं, कौन सा अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है. 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का ही ठिकाना क्या है आपका, शेयर्स अकाउंट में, वहां पे रहेगा. कभी कभी आपको आगे बताऊंगा T+2 days का कॉन्सेप्ट, तब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा. अभी बस इतना ही आप जानेंगे कि ये जो है वो आज के लिए कहां रह सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में रह सकता है, लेकिन उसके बाद उसे कहां जाना पड़ेगा,
या तो बेच के पैसे ले लीजिए या उसे कहां भेज दीजिए, डीमैट अकाउंट में। फिर हमने देखा था कि ट्रेडिंग करने के दो तरीके, आज 9 बजे से लेकर के 3:30 तक शेयर खरीदा भी और बेच भी दिया। अगर दोनों काम सेम दिन कर दिए तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग या जॉबिंग ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग, तीनों नाम से जाना जाता है। टेक्निकल मार्केट इसे जो है वो जॉबिंग के नाम से पुकारता है। यही अगर आप आज खरीदे हैं, आज नहीं बेच करके आज के बाद कभी बेचते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंटर डे ट्रेडिंग या डिलीवरी ट्रेडिंग कहलाता है। चाहे जो है वो कल बेचिए चाहे 20 साल बाद बेचिए, एक ही बात है। यानी वो डे ट्रेडिंग नहीं, वो आपका डे ट्रेडिंग नहीं कहला करके क्या कहलाएगा, इंटर डे ट्रेडिंग या डिलीवरी कहलाएगा। फिर हम लोगों ने ट्रेडिंग करने का पूरा तरीका देखा था। हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, हमने देखा था कि डीमैट अकाउंट के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के भी स्टेटमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जो बेसिकली आपका किसका स्टेटमेंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का। आपने पूरे दिन में 9 बजे से लेकर के 3:30 तक कितने शेयर खरीदे, कितने बेचे, किस रेट पे खरीदे, किस रेट पे बेचा, कितना उस पर ब्रोकरेज चार्ज हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इन सारे चीजों का जो डिटेल दिया रहता है वो किस में दिया हुआ रहता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में। यही जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स कहते हैं। हमने स्टॉप लॉस के बारे में भी पढ़ा था कि आप लॉस को बचाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा करके काम कर सकते हैं। ये प्रॉफिट तो नहीं कराएगा लेकिन लॉस को कम जरूर कर देगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप 5 रुपए कम होने के बाद स्टॉप लॉस लगा देते कि भाई इससे ज्यादा का नुकसान सहने की मेरी शक्ति नहीं है। 100 रुपए में खरीदा था, आपको लग रहा है कि अगर 95 से नीचे जाएगा तो ये बहुत नीचे चला जाएगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता, आप 95 पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और दूसरी तरफ आपने 120 पे भी बेचने का प्राइस लगाया है, प्राइस बढ़ता गया तो कितने पे बिक जाएगा, 120 पे आपको 20 रुपीज का बेनिफिट हो गया, और 95 पे जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस कम होने लगा तो 95 पे आपके शेयर्स क्या हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे, बिक जाएंगे, और 120 वाला ऑर्डर कैंसिल हो गया क्योंकि शेयर्स तो ऑलरेडी आपके क्या हो चुके हैं, बिक चुके हैं। इसके बाद हमने इमोबिलाइजेशन डिमेटलाइजेशन देखा था। हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, किस फॉर्म से, फिजिकल फॉर्म से, और इसके लिए कंप्लीट प्रोसेस हमने पढ़ा था। फिर हमने यहाँ पे रिमेटलाइजेशन देखा था और हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये लॉजिक भी आपको समझाया था। इसके बाद हमने देखा था प्लेजिंग, अगर हमारे पास शेयर्स है अगर फिजिकल फॉर्म में है तो भी उस पर कर्ज ले सकते हैं बैंक को देकर के, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो भी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो फटाक से लोन मिल जाएगा। रीजन ये है कि वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली उसे भेजने की जरूरत नहीं है। फंजिबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन फंजिबिलिटी का मतलब जो है वो क्या हुआ, मिताली बताइए कुछ याद है फंजिबिलिटी, हाँ गुड, तो देन दैट कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। तो यही तीन बात मैंने कही थी आपको ध्यान रखने के लिए कि अगर ये तीनों प्रॉपर्टी है तो वो कंपनी के शेयर आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं और सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी कि एक साथ रह जाएंगे, ये नहीं कि अलग अलग आपका वो मेंशन रहेगा। लेकिन कैसे होना चाहिए, इक्विटी है तो इक्विटी ही, अगर इंफोसिस है तो इंफोसिस ही, तो कंपनी सेम, कंपनी के सिक्योरिटीज का टाइप भी क्या होना चाहिए, सेम, और किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो आपस में ऐड हो सकते हैं और सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं, फंजिबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई ऐसा डिपोजिटी पार्टिसिपेंट है जो कहता है कि मैं इंडिया में लोगों का तो डीमैट अकाउंट ओपन कर ही रहा हूं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, यानी जो भी शेयर खरीदना चाहते हैं, अगर मैं चाहूं इंडिया से बाहर के भी लोग मेरे पास डीमैट अकाउंट ओपन करें और यहां पे ट्रेड करें, अपने शेयर्स रखें, तो कहा ऐसा आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको डीपी का लाइसेंस सेबी से मिला हुआ है, पहला कंडीशन। और डीपी का लाइसेंस कैसे मिलेगा, पढ़ाया हूं आपको कि कौन कौन उसके लिए इलिजिबल है और कैसे लाइसेंस लेगा। तो जो डिपोजिटी पार्टिसिपेंट बनने के लिए इलिजिबल था और क्या ले चुका है, लाइसेंस ले चुका है, वो एक और लाइसेंस लेगा सेबी से कि मैं जो है वो इंडिया से बाहर के भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों का क्या करूंगा, डीमैट अकाउंट ओपन करूंगा। कहा गया ठीक है, क्राइटेरिया फुलफिल किया और उसको हमने कौन सा जो है वो स्टेटस दिया, डेजिग्नेटेड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। बाकियों को कौन सा स्टेटस दिया,
डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास वो लिस्ट पता रहे कि किनको किनको हमने ऑथराइज किया है कि वो इंडिया के बाहर से फॉरेक्स ला करके सिक्योरिटीज मार्केट में लगा सके। रीजन मैंने आपको बताया फेमा का कंप्लायंसेस, और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि ऐसा तो नहीं कि इंडिया के बाहर किसी का गलत तरीके का पैसा है और उसे इंडिया में ला करके वो क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो बहुत सारे देशों के बीच में आपस में ट्रीटी बनी हुई समझौता है कि हमारे देश में कोई गड़बड़ घोटाला करके आपके देश पैसा ले जा रहा है तो आप भी हमारे उस चीज को बचाइए। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसा कॉन्सेप्ट वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, इसके बाद कहा कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो, हमारे पास डीमैट अकाउंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर्स किस फॉर्म में रखें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखें। लेकिन एक समस्या आई कि जिनके पास बहुत कम वैल्यू का है उनके लिए डीमैट अकाउंट खोलना और हर साल का एएमसी देना मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे केस में इन्होंने कहा कि हम उसको जो है वो इनकरेज कर रहे हैं, और डिपोजिटी पार्टिसिपेंट को रेगुलेटरी बॉडी ने इंस्ट्रक्शन दिया और बोला कि आपको इनका मुफ्त में जो है वो डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और अगर इनका होल्डिंग 50,000 रुपए तक का है, इनके पास कितने तक का पोर्टफोलियो है, 50,000 तक का, तो इनसे आप कोई एएमसी चार्ज नहीं करेंगे। देखिए, हमें छोटे का ही ध्यान रखना था, जो बड़े हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, जिनको जो है वो शेयर्स में 12 13 14 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कहां आए हैं? अच्छा, बता के गए थे, हाँ बताए थे, ठीक है। तो जिनको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है वो तो उतने ही पैसे से जो एएमसी दे देंगे, तो उनको क्या जरूरत है चिंदी चोरी करने की 200-250 रुपए। लेकिन अगर जो है वो किसी के पास 10,000 12,000 5,000 का शेयर है तो वो अगर रखना चाहे कह रख सकता है, लेकिन अगर वो 50,000 से ज्यादा का पोर्टफोलियो हो गया तो कहा कोई बात नहीं है, 50,000 से ज्यादा हो गया लेकिन कहां तक है, 2,00,000 तक, तो सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए लेंगे, 100 रुपए। लेकिन अगर 2,00,000 से ज्यादा हो गया तो फिर वो जितना एएमसी बाकियों से लेता। अब ये क्यों बोल रहे हैं जितना एएमसी बाकियों से लेता? हो सकता है आपका डीमैट अकाउंट एसबीआई में हो, पॉसिबल, आपका डीमैट अकाउंट जो इंडिया बुल्स में हो, आपका रेलिगियर में हो, आपका अलंकृत में हो, आपका एसएमसी ग्लोबल में, आपका जेरोदा में हो, या और किसी जगह पे आपका हो, पॉसिबल। तो सबका जो है ये अलग अलग एएमसी का रेट होता है। तो वैसे केस में अगर वो साल भर का 500 लेते हैं तो 500 दीजिएगा, अगर वो साल भर का 200 लेते हैं तो 200 देंगे, 400 लेते हैं तो 400। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया था और उस समय उन्होंने ऑफर दिया था कि अभी दे दो 3,000 या 5,000, जिंदगी में कभी एएमसी नहीं लेंगे, तो वो आपके साथ है। जैसे मेरा इंडिया बुल्स के साथ डील है, एक ही बार उन्होंने जो है वो 2004 में ओपन हुआ था, 2004 में जो है वो ओपन किया था, तो उसने कहा था एक ही बार इतने पैसे दे दीजिए, उसके बाद हम कभी आपसे नहीं लेंगे। तो उसके बाद से वो कभी मुझसे जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 2004 के बाद नहीं लिया। तो ये सब ऑफर जैसा, वो भी तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करे, अकाउंट ओपन करे। तो यहां पे जो भी एप्लीकेबिलिटी है वो एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर लगेगा, और आपको हर क्वार्टर में जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उसका आपको क्वार्टरली रिजल्ट जाएगा। लेकिन ये तब जब आपने उस क्वार्टर में क्या किया है, और ट्रांजेक्शन का मतलब शेयर खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है, दोनों में से कोई भी एक एक्टिविटी किया है तो वो क्या होगा, ट्रांजेक्शन। पॉसिबल है कि इस क्वार्टर में खरीदा है इंफोसिस के 100 शेयर, पॉसिबल, लेकिन अगले क्वार्टर में बेचेंगे तो इस क्वार्टर वाले में क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन में बाय का रहेगा, अगले वाले में क्या आएगा, तो खरीदना भी ट्रांजेक्शन होता है और बेचना भी। तो कहीं भी मैं सिक्योरिटीज मार्केट में बोलूं कि देर इज नो ट्रांजेक्शन, इसका मतलब है ना ही खरीदा गया और ना ही, अगर सिर्फ बेचा भी गया है तो भी वो क्या माना जाएगा, ट्रांजेक्शन। और ये सब मैं बताऊंगा कि कोई ट्रेड नहीं हुआ इतने दिनों से इस कंपनी के शेयर में, जब आपको जो है मैं पढ़ा रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज में कंपल्सरी डेलिस्टिक, याद रखिएगा, वहां पे पूछूंगा कि कहीं पे इसका कहीं मैंने जिक्र किया था, तो याद रखिएगा। ये हम कहां डिस्कस करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में, जब हम लोग पढ़ेंगे कंपल्सरी डिलिस्टिंग, जहां पे आपकी मर्जी नहीं है फिर भी जो है धक्के मार करके राजकीय सम्मान के साथ जो है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने से डिलिस्ट कर रहा है, करेंगे बात, पहुंचेंगे, और वो ज्यादा दूर नहीं है। बस इसके बाद अगला पड़ाव हमारा क्या रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज ही रहेगा, जहां हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, जल्दी बताइए यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द, पक्का इजाजत है बढ़े आगे? अब देखिए ध्यान से तीन बातों को सुनिएगा, किसमें, फिर से बोलिए, कौन सी प्लानिंग,
प्लेजिंग कितने, ये तो आपके ऊपर है ना, बैंक के ऊपर है कि आप कितने दिन के लिए कर्ज लेंगे। तो वो तो टेन्योर आप और बैंक तय करेंगे ना, कि कभी कभी आप ज्यादा दिनों के लिए भी लेते हैं, कभी आप कम दिनों के लिए भी लेते हैं। तो अगर आपने 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये आप जितने दिन के लिए लिया, लेकिन उतने दिन तक वो क्या रहेगा, उतने दिन तक उनके पास ही रहेगा। तो प्लेजिंग तो हमारे आपके, देखिए मोर्गेज कितने दिन हम कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट कितने दिनों के, लोन लोन आपका कभी कभी 20-20 साल के लिए लेते, कोई हाउस लोन लेता है तो देखते हैं हाउस लोन आपका जो है वो 20-20 साल के लिए टेन्योर रहता है। ऐसे केस में मकान कब तक गिरवी रहेगा, जब तक अंतिम किस्त नहीं चला जाता तब तक रजिस्ट्री के पेपर आपके हाथों में नहीं रहता, किनके पास रहता है, वो बैंक के पास। तो यहां पे प्लेज का अंतर बस इतना ही है ना कि किस पे चार्ज क्रिएट कर रहे, मूवेबल चीज पे। तो ये आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जब तक आप रखेंगे। अब देखिए मैं 3 वर्ड यहां यूज कर रहा हूं, और एक आपका हो गया ऑडिट, एक हो गया इंटरनल ऑडिट, और एक हो गया कंकरेंट ऑडिट। एकदम ध्यान से पहले सुन लीजिएगा ताकि आपको लगे कि इन तीनों में क्या करना है। कहा कि जो कंपनी शेयर इशू करती है उस कंपनी का डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहेगा, ऑडिट करना रहेगा। का फाइनेंशियल ऑडिट होता है, का बिल्कुल होता है, कंपनी उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। का सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है, का बिल्कुल होता है, उसे जो है कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। कहा कि कंपनी अगर आपकी जो है वो ट्रेड कर रही है, यानी कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तो कहा कॉस्ट उसकी ऑडिट भी होती है, सीएमए वाले करते हैं। कहा कि वो सारे ऑडिट अपनी जगह पे। इसके अलावा अगर कोई कंपनी है, जिस कंपनी ने, चाहे वो कंपनी कुछ भी बनाती हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, चाहे वो किस सेक्टर में हो, चाहे वो आपका प्रोडक्ट बनाती हो, कहा कि अगर उस कंपनी ने शेयर इशू किया हुआ है पब्लिक के बीच में, जो भी बात कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ तब है जब कोई कंपनी किसके बीच में शेयर इशू कर रही है, पब्लिक। अगर कोई प्राइवेट कंपनी तो मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है, अगर कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जिन्होंने शेयर इशू नहीं किया तो मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है। मेरा ज्यूरिडिक्शन सिर्फ तब है जब वो एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही जब आम लोगों के बीच में शेयर इशू करती है तो वो पब्लिक से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पब्लिक ही रहती, लिस्टेड पब्लिक कंपनी कहलाने लगती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू किया है तो उनके कुछ चीजों को लेकर के ऑडिट करना पड़ेगा कि उन्होंने ये चीज किया है या नहीं किया है। ये वाला ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू नहीं किया है, तब उनके ऊपर फाइनेंशियल ऑडिट एप्लीकेबल है, सेक्रेटेरियल ऑडिट एप्लीकेबल है, कॉस्ट ऑडिट जो है वो एप्लीकेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपने शेयर क्या किया है, इशू किया है। तो आपके ऊपर एक और रेगुलेशन काम करता है, वो है सेबी डिपोजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन। कहा गया इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी, देखिए एवरी इश्यूअर, यानी कि जिन कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने अपने शेयर क्या किए हैं, इशू किए हैं। देखिए जरा यहां पे सेल लिखा है या मेल लिखा है, सेल यानी कि कंपलसरी है। क्या करना, सबमिट ऑडिट रिपोर्ट किस बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, और किनको करेगा, कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज। कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कि वो कंपनी जहां जहां लिस्टेड होगी। बस इसके बाद जब स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेगा तो सब आपको पता चलेगा, सर एक से ज्यादा जगहों पे भी लिस्टेड होंगे। और आपको बताऊं सिक्योरिटी लॉ की ड्यूटी क्या है, जितना आगे का आप पढ़ते जाएंगे उतना पीछे का चीज आसान और बच्चा जैसा लगेगा। रीजन ये है कि उसका, जैसे अब यहां पे बोला कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन देगा, डिस्कंफर्ट देगा कि ये कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या हुआ। हालांकि मैंने थोड़ा बोल दिया कि हर वो स्टॉक एक्सचेंज जहां पे कंपनी क्या होगी, लिस्टेड होगी। अगर एनएससी बीएससी दोनों जगह आप लिस्टेड हैं तो एनएससी भी आपके लिए हो गया कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी भी हो गया। अगर इसके अलावा और जगहों पर, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में भी है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में भी है, तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज हो गया। लेकिन आखिर कंपनी इतनी जगहों पर लिस्ट क्यों होगी, ये रहस्य भी जानेंगे। बस जैसे ही अगले चैप्टर पे पहुंचेंगे तो वो रहस्य जाने हुए रहेंगे। तब अगर कोई ये सेंटेंस पढ़ रहा होगा तो हमें और कंफर्ट जोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना कंपलसरी है, सेबी ने बोला है, आईसीडीआर रेगुलेशन ने बोला हुआ है। अब देखिए फिर क्या बोला मैंने, आईसीडीआर रेगुलेशन ने बोला, वो आपको पढ़ाऊंगा जब स्टॉक एक्सचेंज खत्म होगा। तो जब वहां पे जाएंगे तो लगेगा अच्छा इसका कनेक्टिविटी यहां से, इसका कनेक्टिविटी इस जगह से है। और इसीलिए जब आप बहुत आगे, जब स्टॉक एक्सचेंज के बाद जब आप आईपीओ खत्म कर लेंगे तो वहां से हम काउंटडाउन शुरू कर देते हैं, कोर्स के खत्म होने का
काउंटडाउन, क्योंकि यहां तक में जो है वो सारे चीज हम लोग क्या कर चुके होते हैं, डिस्कस कर चुके होते हैं। सही में देखिए तो इसका पहला पड़ाव आता है डिपोजिटरी सिस्टम, दूसरा पड़ाव आता है स्टॉक एक्सचेंज, आपके नॉलेज का जहां पे कंफर्ट जोन आना शुरू हो जाता है। पहला पड़ाव डिपोजिटरी सिस्टम है, यहां तक जब आप कर लेते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि अब कुछ चीजों को हम कोरिलेट कर पा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज करते थोड़ा और कोरिलेट कर पा रहे हैं। पब्लिक इश्यू जब कर लेते हैं तो लगता है चैंपियन बन गए, तो बोलते हैं रुको जरा सबर करो, तब थोड़ा फिर टेस्ट देते हैं कि यहां पे इस तरह की चीजें हैं। तो अब कह रहे हैं कि इनको ऑडिट कराना पड़ेगा और रिपोर्ट जो है वो कितने दिन पे सबमिट करने पड़ेंगे, यानी कि 3 महीने पे सबमिट होगा। और ये जो है वो कौन करेंगे, प्रैक्टिसिंग सीएस और सीए करेंगे, और इस फील्ड में ये ना के बराबर है क्योंकि ये दूसरे फील्ड में ज्यादा वर्क करते, क्योंकि इनको कोर्स कंटेंट ही बहुत कम है सिक्योरिटीज का। ऑडिट तो वो करेगा ना जो चीजों को क्या किया रहेगा, पढ़ा रहेगा। और आप जो है वो सबसे ज्यादा सीएमए सीए इन सबसे ज्यादा आप जो है वो सिक्योरिटी लॉ पढ़े होते हैं, आपके में एक पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर है और आगे जो है प्रोफेशनल में भी पढ़ना है। लेकिन उनके लिए जो है वो 40 मार्क्स में जो है वो फेमा भी है और उसी में जो है वो सिक्योरिटी लॉ पूरा का पूरा है, 40 मार्क्स में इतने का अंतर है। जैसे आपका पूरा का पूरा अकाउंट सब पढ़ लेते हैं आप 60 नंबर में ही, उनके में ज्यादा है। तो यही बेसिकली दोनों के बीच में है। अब यहां पे कह रहे हैं कि इस ऑडिट का पर्पस क्या है, क्या क्या इसमें देखा जाएगा, रिकंसिलेशन ऑफ व्हाट टोटल इशूड कैपिटल, इसका मतलब कंपनी ने अभी तक कितना शेयर क्या किया है, इशू किया हुआ है, इसको चेक कीजिए हर 3 महीने पे। रिकंसिलेशन ऑफ लिस्टेड कैपिटल, कंपनी जितने बार भी शेयर इशू करेगी, ये वर्ड तो मैंने यूज किया है, फिर यूज करूंगा स्टॉक एक्सचेंज में, कंपनी को जब जब पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करती है और उसे किस मार्केट में लिस्ट किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरी मार्केट बिल्कुल जो है वो फैक्ट्री की तरह हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हमेशा फैक्ट्री में होगा, चाहे वो रिबॉक का टी शर्ट हो चाहे पुमा का शूज हो, लेकिन उसे बेचा हमेशा शोरूम से जाता है। ठीक वैसे स्टॉक एक्सचेंज हमारा क्या है, शोरूम की तरह है। तो बोला कि जितने भी बार आपने इसको क्या किया है, इशू किया है, आपने उसको लिस्ट किया है या नहीं किया है वो देखना रहेगा। रिकंसिलेशन ऑफ कैपिटल हेल्ड बाय डिपोजिटरीज इन विच फॉर्म, हमने जितने भी शेयर्स उनको दिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करने के लिए, रखने के लिए, क्या उन्होंने सबको रख लिया या कुछ का काम बचा हुआ, क्योंकि उनको सारा डेटाबेस ट्रांसफर करना है, ये तो रिकंसाइल करना है। अरे भाई रूल तो है कि करना है, लेकिन वही तो चेक करने जा रहे हैं कि किया है या नहीं किया। क्यों फाइनेंशियल ऑडिट करते, लिखा तो हुआ कि अकाउंट मेंटेन करेंगे, यही तो देखने जा रहे हैं कि अकाउंट कैसे मेंटेन किया है, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन कितना चार्ज किया है, कहीं ज्यादा या कम तो नहीं किया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं उन उन चीजों को एक्सपेंस में डाल दिया जो एक्सपेंस से डिसअलाउड है, क्योंकि अगर एक्सपेंस में डाल दिया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारा चीज ही तो हम चेक करने जाते, तो यहां चेक करें डिटेल ऑफ चेंज इन शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द क्वार्टर। शेयर कैपिटल चेंज होने का मतलब है करेंगे तो भी शेयर बढ़ेंगे तो चेंज होगा। पहले कंपनी के 1 लाख शेयर थे और 10 रुपए के शेयर थे, तो 10 लाख हमारा शेयर कैपिटल, कंपनी ने और 1 लाख शेयर इशू किए, तो बताइए शेयर कैपिटल बढ़ा या नहीं बढ़ा। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 लाख शेयर था, कंपनी ने जो है वो 20,000 शेयर बायबैक कर लिया, पढ़ाऊंगा आपको। बायबैक का मतलब होता है जब अपने ही शेयर वापस ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं, कंपनी को किसने काटा, जवाब दूंगा जब बायबैक पढ़ाऊंगा। अभी बस ये समझिए कि लोगों के बीच में शेयर देकर के पैसे लेना हुआ इशू करना, लोगों को जो शेयर इशू किया हुआ है वो लेकर के बदले में उनको क्या दे देना, पैसे दे देना, क्या कहलाता है, बायबैक। तो कह रहे हैं कि अगर बायबैक किया तो उतना माइनस हो जाएगा, तो यही यहां पे आपको डिटेल जो है वो देखना है, चेंज इन व्हाट शेयर कैपिटल, द इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑब्टेन बाय द इशूअर फ्रॉम ऑल कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या होता है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा जब मैं आपको जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग प्रोसीजर पढ़ाऊंगा, तब जाकर के आप इस चीज को जानेंगे। क्या पढ़ाऊंगा, अब आप समझ रहे होंगे कि जिस समय आपको लिस्टिंग प्रोसीजर बता रहा हूंगा और वहां पे जो वर्ड यूज करूंगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल, तो आपसे पूछूंगा कि इसके बारे में कहां पे हमने कोई चर्चा की हुई है, और ये भी पूछूंगा कि उसमें और क्या क्या चर्चा की थी। तो आपको ऊपर ये और नीचे ये भी क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो हमारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं, बाकी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। जब भी
कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उन्हें क्या कहा गया कि अगर कंपनी ने शेयर इशू की तो मुझे बताइए जो कंपनी उनको पैसे मिल गए या नहीं मिल गए। कंपनी ने 1,00,000 शेयर इशू किया कितने रुपए वाले 10 रुपए वाले। तो कंपनी ने जब 1,00,000 शेयर इशू किए 10-10 रुपए वाले तो उनके पास कितने पैसे आ गए 10,00,000 रुपए आ गए। अब इनके पास अगर 10,00,000 रुपए आ जाते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा अपना बिजनेस तो शुरू कर देंगे ये। अब उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लोगों का क्या होगा क्योंकि हमने 10 रुपए लगाए हैं तो हम देखना तो चाहेंगे कि हमारा 10 रुपया 11 में बदल गया या 9 रुपए में। ये तो तभी होगा जब हम स्टॉक एक्सचेंज में क्या करेंगे लिस्ट करेंगे। कंपनी क्यों लिस्ट करेगी क्योंकि उसमें तो पैसा लगता है। सेबी ने बोला अगर पब्लिक के बीच में जाकर के पैसे दिए हैं इशू किया है शेयर पैसे लिए हैं लोगों से तो उसे क्या करना पड़ेगा इसे आपको लिस्ट करना ही पड़ेगा। तो जब वो लिस्ट करने के लिए जाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि अगर आप सही तरीके से लोगों तक शेयर पहुंचा दोगे तभी हम आपको क्या करेंगे लिस्ट करेंगे। अभी हम आपको शुरुआती परमिशन दे देते हैं और इसी को क्या बोल देते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल। शुरुआती परमिशन का मतलब दिस इज नॉट फाइनल परमिशन। इनिशियल परमिशन को क्या बोल देते हैं नाम दे दिया इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ये आपका जो है वो क्या है प्रिलिमिनरी परमिशन है इनिशियल परमिशन है कंफर्म नहीं कर रहा है कि हम आपको लिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको कितने जगह से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है वो भी आप चेक कीजिए इस 3 महीने के बीच में क्योंकि उन जगहों से आपको लिस्टिंग परमिशन मिला या नहीं मिला ये भी अगले क्वार्टर में हम देखेंगे। बाकी डिटेल में कहां बताऊंगा इन प्रिंसिपल के और बारे में यहां क्लियर है। अभी क्या है इन प्रिंसिपल अप्रूवल जब आप लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन देते तो एक ही बार में लिस्टिंग परमिशन नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि हम आपको इनिशियल परमिशन दे रहे हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जो शेयर इशू करने जा रहे 6 महीने का समय लग जाता है शेयर्स के पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम को क्या होने में खत्म होने में। जब से ये शुरुआत होता है आप तक जब बात पहुंचती तब तक तो 4-5 महीने बीत चुके होते हैं। उससे कम 6 महीने पहले से जो है उससे कम 6 महीने पहले जो है वो क्या करते हैं वो अपना शुरुआत कर चुके होते हैं। किस चीज की शुरुआत कर चुके होते हैं शेयर इशू करने के सारे प्रोसेस का सब आपको बताऊंगा कि क्यों बार बार मैं कहता हूं 6 महीने का टाइम लगता है। जिसकी शादी हुई है वो खुश रहे दोबारा होगी जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए जो है वो इसीलिए बोला खुश रहे क्योंकि पक्का है डिवोर्स होना है क्योंकि जब बंदा निकलता है तो लौट के जो है वो तब आता है जब सब सो चुके होते हैं और तब निकल चुका होता है जब लोग जगे भी नहीं होते इतना जो है वो हेडेक रहता है। रीजन कुछ और नहीं है दो ही वर्ड है कंप्लायंस ऑफिसर है ज्यादा नहीं है सिर्फ 25 करोड़ का फाइन पेनल्टी आपके ऊपर है नॉन कंप्लायंस पे और ज्यादा नहीं साथ में एक और भी है डेजर्ट भी है स्वीट डिश भी है 10 साल का जो है वो फ्री लंच फ्री डिनर फ्री अकोमोडेशन पोसंपा भाई पोसंपा इंप्रीजमेंट का प्रोविजन है। जब इतना शानदार प्रोविजन सामने दिख रहा होता है ना तो जो है वो राम दुलारी नहीं दिखती है उस समय सिर्फ सेबी दिख रहा होता है कि जा भाई इससे तो बच ही जाएंगे लेकिन सेबी में फंस गए तब तो वैसे भी डिवोर्स होना है 10 साल वहां रहेंगे तो इससे बेहतर है कि उधर ही क्या कर लेते हैं संभाल लेते हैं। हाँ सक्सेसफुली सब कुछ कर लिया तो एक मकान या कुछ अच्छा गाड़ी वगैरह अगर आपको उस चीज का शौक है तो आप जरूर ले लेंगे। जो गरीब आदमी होते हैं वो अपने अकाउंट में 10-12 रुपया डाल लेते हैं बस यही काम करते हैं। आइए द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अपडेटेड स्टेटस ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ इश्यूअर। ये अपडेटेड स्टेटस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर का मतलब हर दिन शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं तो जब खरीदे जाते हैं तो इसका मतलब शेयर होल्डर ही तो मेंबर है शेयर होल्डर ही तो क्या है ओनर है। तो अगर आप जो है वो एक बंदा दूसरे को बेच रहा है तो ये रजिस्टर क्या करना पड़ेगा अपडेट करना पड़ेगा। तो कहा गया कि यही रजिस्टर ऑफ मेंबर में से मान लीजिए कि पिंकी ने बेचा दिशा को बेचा तो पिंकी का नाम हटा और ट्रांसफर टू क्या हो गया दिशा। तो देखिए रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ तो यही रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है आप उसको अपडेट करते रहिए। साथ ही साथ जिस भी सिक्योरिटीज को आपने डिमेटलाइज करने के लिए दिया था तो देखा भी जाएगा कि कंपनी क्या कर रही है लोगों को शेयर्स को डिमेटलाइज कर रही है या लोगों का रिक्वेस्ट आया हुआ और पड़ा हुआ है। कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम आप लेंगे अगर 21 डेज से ज्यादा लगा हर एक दिन के डिले पे 1,00,000 रुपए का फाइन है उनके ऊपर और शायद और भी ज्यादा। सेबी के फाइन कभी भी आप रट नहीं सकते रीजन ये है कि हर घड़ी क्या कर देते हैं बदल देते हैं और बदल के कम नहीं करते। कमाल की बात ये है हमेशा क्या करते हैं कंप्लायंस को धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट करते हैं। देखिएगा मैं कुछ जगह जहां पे कंपनी लॉ भी आएगा और ये भी आएगा वहां पे थोड़ा सा दिखलाऊंगा कि वहां पे इतना बोला जा रहा है और ये जो है वो इतना जो है वो बोल रहे हैं। आपने जो है वो ऑडिट कमिटी पढ़ा होगा
कंपनी ये आगे पढ़ेंगे जब आप वहां पहुंचेंगे, ठीक है। और मैं भी आपको पढ़ाऊंगा जब आपको एलओडीआर रेगुलेशन बताऊंगा, सीबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। आप कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग भी ऑडिट कमिटी देखते हैं, यहां भी आप अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर और कितने डायरेक्टर कैसे होंगे, ये आप डायरेक्टर्स में कंपनी लॉ में पढ़ते हैं। यहां पे जब यहां पढ़ा था एलओडीआर, अच्छा ठीक है पढ़ा था, तो बहुत अच्छी बात है, देख लेंगे कितना याद है, थोड़ा सा मैं भी बता दूंगा। तो वहां पे हम लोग एलओडीआर में जब आएंगे तो देखेंगे कि एलओडीआर के अकॉर्डिंग जो है वो डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन जो है वो किस तरह से होगा और कितने कमिटी बनाएंगे, डायरेक्टर्स कितने कमिटी में जो है वो आपके मेंबर हो सकते हैं और कहां कहां जो है वो टॉप पर्सन पे हो सकते, करेंगे बात। तो उन जगहों पे देखिएगा कि कैसे ये थोड़ा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रख देते और हमें क्या करना है, अगर सेबी ने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखा तो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कंपनी लॉ के कंप्लायंसेज हो जाएंगे। क्योंकि अगर बोला ये काम सेबी ने 30 दिन में करना है, कंपनी लॉ ने बोला 45 दिन में करना है, तो अगर 30 दिन में कर लिया तो खुद ब खुद 45 वाला हो गया, क्योंकि मान लीजिए कंपनी लॉ ने बोला 45 डेज मैक्सिमम, सेबी ने बोला 30 डेज मैक्सिमम, घर में पापा ने बोला 7 बजे, मम्मा ने बोला 6:30 बजे पहुंच गए तो कंप्लायंस हो गया। अब ये मत बोलिए सर हम कैसे पहुंचेंगे, हम तो रात के 10-10 बजे तक पहुंचते, क्योंकि हमारा एक टीचर है जो दानव नेचर का है, वो छुट्टी ही लेट से करते हैं। तो ये सारा का सारा चीज जो है वो किस चीज के लिए है, ईश्वर कंपनी का ये ऑडिट है, लेकिन किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, सेबी डिपोजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपने शेयर इशू नहीं किया है तो आपके ऊपर ये कंप्लायंस है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। इसका मतलब हुआ कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के किसी भी पर्सन का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन अगर कोई होगा तो उस केस में जो है वो उसका इंटरनल ऑडिट किया जाएगा। नहीं, ये ऑपरेशन का मतलब वही ऑपरेशन हुआ कि अगर कहीं जो है वो घाव हो गया उसका ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर का, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कहा नहीं, ऑपरेशन मीन्स यहां पे क्या हो गया, एक्टिविटीज बिजनेस। तो कहा गया कि इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑपरेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। कहा गया कि डिपोजिटरी और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो आपके कंपनी के फॉर्म में होते हैं, इन लोगों का जो बिजनेस चल रहा है इस पर बोला गया कि इसका इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। और इस इंटरनल ऑडिट के लिए NSDL और CDSL ने किसको अलाउ किया कि आप जाकर के किनका, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का क्या कर सकते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का जो है आप ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का ऑडिट कर सकते हैं। तो अब NSDL और CDSL की बात क्यों आई, क्योंकि या तो NSDL का आप डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनेंगे, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड का, और या फिर किसका बनेंगे, CDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इन्हीं दोनों का। अब इस ऑडिट में क्या होता है, तो कहा गया कि एवरी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट शैल इंश्योर दैट एन इंटरनल ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिपोजिटरी इज कंडक्टेड एट इंटरवल नॉट मोर देन कितना, बाय CA और CS। लेकिन कौन से वाले हैं, जॉब वाले नहीं है, जो किसमें है, इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में सिर्फ उसी का होगा, जो प्रैक्टिस में नहीं है उनका नहीं होगा। तो यहां इन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ वही वाले जो है वो CA और CS जो किसमें है, प्रैक्टिस में, जैसे मैं प्रैक्टिस में हूं तो मैं कर सकता हूं। अगर कोई CA CS किसमें है, जॉब में है, तो इस काम को करने के लिए अलाउड नहीं है। और ये जो है वो शैल बी फर्निश्ड टू डिपोजिटरी, किनको ये देंगे, अपने कंसर्न डिपोजिटरी को देंगे। अब ये हुआ कौन सा ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। एक होता है कंकरेंट ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट का मतलब होता है जो लगातार जो है वो ऑडिट क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, ये आपका 3 महीने पे। और कंकरेंट ऑडिट भी आपका क्या होता रहता है, लगातार चलता रहता है। जिस देखिए हमने बात की इंटरनल ऑडिट की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंकरेंट ऑडिट की। कंकरेंट ऑडिट के लिए कहा गया कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को कंकरेंट ऑडिट करानी होगी, और ये कौन करेंगे फिर, प्रैक्टिसिंग CA और CS कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको कहा ये जितने भी जगह ऑडिट है वहां पे अलाउ दोनों किया हुआ है, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ काम कौन कर रहे होते, प्रैक्टिकली CS ही आपको दिखेंगे। कंकरेंट ऑडिट जब आप करेंगे तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट दो चीज आएंगे, वो है ऑडिट ऑफ प्रोसेस ऑफ डीमेट अकाउंट ओपनिंग। कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैंने आपको बताया, सर यू हैव टू कम दिस
प्लेस, और उसके बाद जो है सर यू हैव टू साइन एट दिस प्लेस, अकाउंट जो गए थे अकाउंट ओपन कराने, अच्छी सी मैम पलटाए जा रही और वो साइन क्या किए जा रहे हैं, किए जा रहे जो भी हो जैसे भी हो। कहने का मतलब बस इतना है कि कहीं गलत तरीके से आप अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट और वो सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि अकाउंट ओपन जितने ज्यादा लोगों का होगा उतना ज्यादा मॉनेटरी कंसर्न इनका है या नहीं है। कहा बिल्कुल है, इसीलिए कहा गया कि इस चीज को देखिए, और साथ ही साथ कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। अब याद कीजिए इस डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप को, कि ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो है वो क्या था और क्या हमने इसके बारे में बात की थी और इसमें हमें बेसिकली क्या देखना रहेगा। जो आपका डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप है वो बैंक के किस चीज से जो है वो सिमिलर है, चेकबुक की तरह होता है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आप शेयर्स डिलीवरी मोड में बेचते हैं, यानी वो किस अकाउंट में है आपके, डीमैट अकाउंट में है। तो ये बेसिकली जब तक आप उनको देंगे नहीं तब तक वो जो है वो आपके शेयर्स को सेल आउट नहीं करेंगे। मतलब अगर आज आपने शेयर बेचा है तो 3:30 तक आपके, या कहिए आज शाम तक क्लोजिंग के समय तक आपके डीपी के पास क्या होना चाहिए, आपके डीपी के पास ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो है वो पहुंच जाना चाहिए। अगर ये उनके पास नहीं रहा और ऐसे में उन्होंने बेच लिया तो बहुत बड़ा ऑफेंस ये है, और यहां पे कह रहे हैं कि इसको आप प्रॉपरली चेक कीजिए कि ये आया है या नहीं आया हो। तो देखिए एक यही दो मेजर काम, एक तो उनका अकाउंट ओपन करना और दूसरा क्या हुआ, जब वो शेयर्स किसी का बेचेंगे जब उनके पास किस फॉर्म में है, जब उनके पास डीमैट फॉर्म में है और डिलीवरी मोड में है, तो कह रहे हैं कि इसको चेक कीजिए कि ये ऑफ मार्केट, अगर मार्केट ट्रेड हुआ था तो उस समय इधर का फॉर्म भरा होना चाहिए और अगर जो है वो ऑफ मार्केट है तो ये वाला। अब दोनों का मतलब क्या है, हमने शेयर्स का प्राइस कहां पे देखा, टर्मिनल पे देखा, देख लिया प्राइस, प्राइस देखने के बाद अगर हमें बेचना है तो ये वाला फॉर्मेट से जाएगा, इससे जो है वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन को देना है और आप उस पर्सन को ये बेसिकली दे रहे हैं जिसको आप ऑनलाइन जो है वो नहीं दे रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं आप जो है ऑनलाइन का मतलब हुआ कि पता ही नहीं है किसको दे रहे हैं, वो है मार्केट ट्रेड। आपने प्राइस लगा दिया कि 500 में आपको बेचना है, किसी ने खरीदने का लगा दिया, ऑर्डर मैच किया, सेल हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जो है वो जान रहे हैं एक दूसरे को, मान लीजिए मुस्कान जान रहे हैं, इन्होंने जो है वो बाबा जी को, वैसे बाबा जी तो मोह माया के बंधन से दूर है, शेयर्स वगैरह से इनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि चढ़ावा के रूप में, या जो है उन्होंने जो है वो मुस्कान ने जो है क्या चढ़ावा चढ़ाया, इंफोसिस का शेयर बोल रहे हैं 100 देंगे, तो यहां पे जो है वो बाबा जी आइडेंटिफाइड हैं तो क्या करेंगे, इस पोर्शन को फिल नहीं करेंगे, ये जो फॉर मार्केट ट्रेड है ये पोर्शन ब्लैंक रहेगा, और यहां पे जो है वो बाबा जी का जहां पे डीमैट अकाउंट है जिनके पास, उनका जो है वो आईडी, डीपी का नाम, तो यहां पे मान लीजिए इन्होंने रेलिगियर लिख दिया, अपना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका तो चेकबुक है, ये मुस्कान का ही तो चेकबुक है, यहां पे जो है वो क्लाइंट का नेम लिख देंगे बाबा जी, और यहां पे जो है वो क्या लिख देंगे, बाबा जी का डीमैट अकाउंट नंबर लिख देंगे। आजकल तो बाबा जी लोगों का जो है वो फोन पे वाला QR कोड होता है, तो डीमैट अकाउंट नंबर क्यों नहीं होगा, पता है आपको, आपने भीख मांगते हुए यहां पे गले में QR कोड लटका करके देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैंने जहां देखा है वो जगह बता सकता हूं। ICSI का जब हेड ऑफिस आप जाएंगे तो उससे पहले साईं बाबा का एक मंदिर है लोधी रोड में, अगर वैसे आप लोग को उधर काम नहीं पड़ता होगा क्योंकि वो हम लोग के लिए रहता है मेंबर्स के लिए, लेकिन अगर कभी गए तो साईं बाबा का मंदिर है, वहां पे जो है वो थोक के भाव से भिखारी दिखेंगे और टाइप टाइप के दिखेंगे, मतलब अलग अलग वैरायटी, ऐसे नकल नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी वैरायटी उसी में दिखेंगे, हाथ टूटा ये टूटा किसी का जो है वो सब कुछ टूटा, तो बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो ये सारे वैरायटी आपको वहां पे क्या होंगे। ऐसे तो यहां आपको ज्यादा वैरायटी नहीं मिलता है ना, कोई घिसा पिटा एक बच्चे को ले लिया, दे दो ना भूखा है,
मुंह सूखा है, बच्चा भूखा है, सुबह से भूखा है, जैसे ही आप पैसे दीजिएगा बच्चा को नहीं उधर जाएगी, फटाक से आइसक्रीम लेगी, कोल्ड ड्रिंक लेगी, फटफट फटफट फट चल फिर, भूखा है, मुंह सूखा है, तो जो भी चीज रहे कह रहे कि यहां पे अगर आप जो है वो उनको पे करना चाहे तो यहां पे क्यूआर कोड रहता है आपके पास, चेंज सबको पता है चेंज वगैरह की दिक्कत। और एक और बात, वो इसीलिए ऐसा करते कि मंदिर जब जा रहे होते हैं तो लेदर का जो है वो पर्स नहीं रखते हैं, वहां पहले रखते बेल्ट वगैरह भी। तो देखिए कितना जमाना तेज हो गया है, ये देखिए उनका स्ट्रैटेजी समझिए, और आप इसी से समझ जाइए कि पूरा का पूरा गिरोह है जो उस चीज को जो है वो बेगर वाली चीज को बढ़ावा दे रहा है, और वो जो है वो जानबूझ करके बच्चों को ला करके भीख मंगाना, ये मतलब पूरे ऑर्गेनाइज वे में ये ऑफेंस चल रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि जानबूझ करके फोन तो रखा हुआ रहेगा क्योंकि वैलिड तो किसी पास रहता नहीं था, कोई मांगता भी था, और लोग सही में देना भी चाह रहे, कोई लोग जो वहां गए हुए हैं तो उनको भी मांगना है, आगे मांगने का ही दुनिया है, हम जा रहे मंदिर में मांगने के लिए, उससे पहले कोई हमसे मांग रहा है, हम उसका नहीं पूरा करेंगे तो हम भी सोच रहे हैं कि आगे वाला नहीं पूरा करेगा, और अगर हमने इसका दे दिया तो हम इसमें खुश रहते हैं, हमने किसी का किया है अच्छा तो हमारा भी क्या होगा, अच्छा अच्छा करते हुए इतना ही दिमाग में रहता है, और पता है उससे अच्छा नहीं होना है। जब आपके दिमाग में ये चीज आ रहा है कि मैंने इसका भला किया तो मेरा भी जो है वो कोई क्या करेगा, भला करेगा, तो भला करने वाला वो जो पुण्य है वो आपका थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। एनीवे फिर भी कोई भला तो कर दे रहा है, कुछ भी सोच के करे, लालच में ही करे, तो वो जो है वो फटाक से क्यूआर कोड, फोन तो रहता ही है, और आप उसको क्या कर दीजिए, पे कर दीजिए 10-20 जो भी करना, और मस्त वहां पे दिखा रहेगा चंगुराम मांगी ऐसे करके जो है वो, हाँ ऐसे ऐसा नाम रहता है, और उनका सबका जो है वो क्या रहेगा, उनका जो है वो आईडी बना रहेगा। तो अब कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही उन्होंने बोला एडवांस, बाबा जी चढ़ावे में क्या ले रहे हैं शेयर्स, तो ये जो है वो क्या करेंगे, ये वाला जो है वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो है वो मुस्कान जो है वो बाबा जी के चरणों में जाएंगे, प्रणाम करेंगे, टीका उका होगा, खुश रहो बच्चा, सब कुछ होगा, और उसके बाद आते वक्त यही वाला ऐसे करके क्या करेंगे, दे देंगे उनको कि ये लीजिए ये आपके लिए, क्लियर है। अब उसमें देखना है कि यहां पे सारे इंफॉर्मेशन सही से भरे हुए, ISIN नंबर, मैंने आपको बताया था हर शेयर का एक यूनिक नंबर होता है जो कभी भी किसी के साथ मैच नहीं करता है, क्या है फुल फॉर्म, हाँ जी, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक। तो कहा कि ये आपको जो है वो ऑडिट करने जब जाइएगा तो दो चीजों को खास तौर पे देखिए, अकाउंट ओपन करते वक्त जो है वो सारे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, KYC प्रॉपरली कर रहे हैं या एवी डीमैट अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं, और दूसरा डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट लेकर के भी काम कर रहे हैं या सौदा हो गया है और अब इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही कोई ट्रेड हो गया इसका डिलीवरी ले लेंगे, कल मंगवा लेंगे, इसका मतलब ही आपको तो आज के आज वो आपके पास होना चाहिए था। However, the participant in case they so desire may interest the concurrent audit to their internal auditor. आप चाहे तो आपके इंटरनल ऑडिटर और कंकरेंट जो ऑडिट कर रहे हैं वो दोनों एक हो सकते हैं और दोनों जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं। कुछ जगहों पे कहा गया है कि अलग अलग लोग करेंगे, कंकरेंट ऑडिट कोई और करेंगे और इंटरनल ऑडिट कोई और करेंगे, यहां पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि दोनों एक ही पर्सन कर सकता है और वही दोनों रिपोर्ट बना सकता है, और कंकरेंट ऑडिट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन अगर इंटरनल ऑडिट से लेना है तो उसी ने तो सब कुछ देखा था वो वहां से ले सकता है, इंटरनल ऑडिट में कुछ इंफॉर्मेशन कंकरेंट ऑडिट से ले जाना है तो ले जा सकता है अगर वो एक ही पार्टी है तो, क्लियर है। चलिए तो फाइनली हम लोगों ने डिपोजिटरी सिस्टम के सारे एस्पेक्ट को जो है वो पढ़ लिया है। अब यहां पे हमें सिर्फ कुछ बातों को और देखना है और वो ये है कि आपने जितने भी पूरे एस्पेक्ट को इसमें देखा है वहां पे क्वेश्चन कहां कहां और किस तरह से बनता है। तो देखिए अगर वो आसान क्वेश्चन देना चाहेंगे बिल्कुल आसान, तो सबसे पहले एक कंपेरिजन वाला जो क्वेश्चन था वो पूछ देंगे कि डिस्टिंग्यूज बिटवीन बैंक अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट, वहां से इनका शुरू होता है सबसे आसान वाला दौर, कौन सा, बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट के बीच वाला चीज। दूसरा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये सब बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट वाला क्वेश्चन हुआ जो देंगे वो चीज दे दिया। इसके बाद अगर डायरेक्ट में करें तो
who are eligible to become sponsor for depository. Who are eligible to become sponsor for depository? What is the process of acquiring license to work as depository? What is process of acquiring license to work as depository? फिर जो है वो पूछ दिया who are eligible sponsor for depository participant, और फिर उसका process कि what is the process of acquiring the license to work as depository participant. जैसे जैसे मेरे स्लाइड को आप लेकर के जो है वो कॉपी को सामने रखेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन आपको क्या होता रहेगा, हेडिंग से दिखता रहेगा. ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, हाउ डीमैट अकाउंट कैन बी ओपन, ये हो गया. स्टॉप लॉस पे शॉर्ट नोट्स 2 मार्क्स के लिए, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, ये भी 2 मार्क्स, इससे ज्यादा का नहीं हम लोग पूछते हैं क्योंकि बहुत छोटा है, इसमें बहुत कम चीजें लिखनी रहती है. लेकिन फिर आपका वेरियस ऑडिट अंडर डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट रेगुलेशन, जो भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है. इसके बाद व्हाट इज बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट, ठीक है, बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट, प्रोसेस ऑफ डीमेटलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ रिमेटलाइजेशन. ये तो वो क्वेश्चन हो गए जो आम लाइफ में पूछा जा सकता है. हाँ, अगर मैंने क्वेश्चन सेट किया तो इनमें से एक भी नहीं करूंगा, लेकिन आप जो है वो मान करके चले कि ज्यादा चांसेस जो है वो यही क्वेश्चन के हो गए जो मैंने बोला. रीजन ये कि 12 में से मैं एक हूं, तो लॉटरी सिस्टम है, किसी का भी हो सकता है. लेकिन अगर मेरे तरीके वाले लोग होंगे तो वो किस तरह का क्वेश्चन देंगे ये जानना जरूरी है, और वो इसीलिए क्योंकि इसमें थोड़ा तकलीफ होता है. और जैसे मैंने आपको जो है वो दिया भी था क्वेश्चन, और देखिए क्या है, एक तो मैंने आपसे पूछा मेंशन द बेनिफिट ऑफ स्किपिंग शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं कैसे दूंगा, सिक्योरिटीज मार्केट हैज बीन इवॉल्विंग फ्रॉम द लॉन्ग ईयर्स इन द सिमिलर मैनर, जो मैंने दिया भी था, इन द सिमिलर फैशन डिपोजिटरी सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विदाउट हैविंग मच बेनिफिट कमेंट. ये क्वेश्चन मेरा है इसी का, और ऐसा नहीं है, दूंगा आपको, चेक कर भी रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कंटेंट आपके पास नहीं है, है या नहीं है. मच बेनिफिट वाला में तो यही तो कंटेंट है जो सामने है, ये वाला लिखना है कि इतना सारे बेनिफिट तो है, मच क्यों नहीं है, अब क्या मच अब कितना मच, इतना तो है. लेकिन लिखते वक्त ना, जब हम ये क्वेश्चन ऐसे देते हैं तो बंदा सब कुछ तो लिखता है, कहानी तो लिखता है, यही नहीं लिखता है कि इतना मच है, अब कितना मचाएं. एक गलती यहां होती, दूसरा यहां तो धूम मचा देता है, ये लो इतना सारा बेनिफिट, लेकिन शुरू वाला गायब कर देता है. मुस्कान जैसे लोग, कॉपी से मुझे याद रहता है किसने कैसे लिखा है. तो अब जो है वो कुछ लोग बेनिफिट पूरा लिख रहे होते, सीधे फॉलोइंग आर द बेनिफिट, ये थोड़ा ना सीधे पूछा है आपने. तो 2 पार्ट हो गया, एक हो गया इवॉल्व वाली भी कहानी, और एक हो गया बेनिफिट वाली, और दोनों मिलकर के 10 मार्क्स का है, तो दोनों 5-5 में बट गया. ये हमारे ऊपर है, एक को 6 में, एक को 4 में बांट दिया. इधर वाला ज्यादा लिखा तो ले जाइए उधर से, इधर वाला ज्यादा लिखा तो इधर से ले जाइए. और उसमें आप और क्या करते हैं कि कुछ लोग जो है वो लिखेंगे ऐसा लगता है मन नहीं है, उनके लाइन से दिख रहा होता है, लिखा अब मन नहीं है, इसके बाद वाला लाइन जो है वो मन से नहीं लिखा. मुझे एक चीज बताइए, जब बेनिफिट्स लिखना शुरू करेंगे उसी लाइन से क्यों शुरू करेंगे? जब हम बेनिफिट्स वगैरह लिखेंगे तो क्या करेंगे, बेनिफिट्स वगैरह अगर हम लिखेंगे तो लाइन वहां पे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. अभी तक सारा कहानी जो इवॉल्व वाला लिखते आ रहे, अब क्या सुनाना है, बेनिफिट वाला नहीं, आपका नहीं था, किसी और का था. उसने जो है वो पैराग्राफ जो है वो चेंज भी नहीं किया वहीं. और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं ऐसा जैसा कि सर एहसान कर रहा हूं, माइंड इट, यानी कि बाकी चीज लिखें और बेनिफिट्स जो है वो उसी 2 लाइन में किचपिच करो, टेप्ट ये तू मरा जा रहा है या मैं मरा जा रहा हूं, कौन जा रहा है उस 3 लाइन में ऐसे किचपिच करने की क्या जरूरत है, क्या बेनिफिट लिखना में नहीं आता है, फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स लिख दिया, और तब लिख दिया कि दीज आर द बेनिफिट्स. हाउ कैन वी से
विदाउट हैविंग मच। ऐसे ही तो थोड़ा सा कोरिलेट करना, और क्या करना है। और अगर ऐसे किया तो बहुत अच्छा किया। अब उसी में ये तरह का क्वेश्चन, ठीक ऐसे ही इसमें जब हम और आगे बढ़ते हैं तो अभी भी मेरे टाइप वाले क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन यहां पे है, ध्यान रखिएगा, और वो क्वेश्चन आपका हो गया कि जब हम लोग इस जगह पे, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे सकता हूं अगर मुझे मौका मिला इस जगह पे, थोड़ा सा मैं एनबीएफसी पे 2 मार्क्स में दे सकता हूं कि देखूं कि बच्चा सेल्फ और बच्चा जो है वो सबके लिए वाले बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। इस पे इसीलिए इतना बात कर रहा हूं क्योंकि बाकियों को बहुत डिटेल में पढ़ाया भी है और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादातर है, मतलब इंस्ट्रूमेंट पे, और जहां नहीं है वह जहां प्रैक्टिकल बताया मेरा जून वहां रहेगा। मुझे अगर डीवीआर में पूछना रहा मैं नहीं पूछूंगा व्हाट आर द कंडीशन फॉर डीवीआर, वो तो आप इधर भी पढ़ लेते हैं, कंपनी लॉ में भी पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ लेते हैं। मैं जो पूछूंगा वो कहां पूछूंगा, 74% वाला जो है वहां पे, क्योंकि मुझे पता है वो आपने नहीं पढ़ा होगा, या वहां पढ़ा था आपने, इसको प्रैक्टिकल बनाए थे कंपनी लॉ में, आपने 74% पे एक्स से निकालने वाला चीज बनाया था कि मैक्सिमम ये निकालने वाला। तो इसीलिए जो मुझे जहां पे लगेगा कि ये चीज जो है वो मिस करता है बच्चा कहीं पे, तो मैं वहां पे क्वेश्चन, तो एक ही क्वेश्चन तो देना, अभी तो पूरा सिलेबस बचा हुआ है। अगर मुझे जो है वो कहीं बहुत बेसिक से पूछना रहा तो मैं जो है वो डिविडेंड पे दे दूंगा, ये नहीं पूछूंगा डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड कैलकुलेट करवाऊंगा, और जहां पे बायबैक का भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, और वहां पे इशू जो किया गया वो भी याद है ना क्वेश्चन, तो वो सारा जून याद रखिएगा। फिर मैं बात करूंगा, ये सब लास्ट में भी चलेगा, जब दरी चटाई और गद्दे बिछेंगे ना वो वाला भी प्रक्रिया है, वो डिपेंड करता है तब तक आप जो है वो झेल पाते हैं और मैं जिंदा रह पाता हूं तब तक का वो सफर है, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट का सफर है एग्जाम के समय से पहले का, कि आपको रिवीजन के लिए दे दिया, उसके बाद वाले राउंड में जब बैठे तब वहां पे बात होगी कि देखिए अब इससे कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे करके हम लोग तैयार करेंगे, दोनों तरह का तैयार करेंगे, जो जो है वो बिल्कुल दुष्ट तरह का सेटर है उसके अकॉर्डिंग भी, जो बड़ा रहमदिल है उनके अकॉर्डिंग, दोनों तरह का तैयार कर लेंगे ताकि किसी भी तरह से बद्दुआ किसी को नहीं देना पड़े। और एक और बात, आप खुद से पढ़ते वक्त क्या कीजिएगा, पहले हर जगह से खुद क्वेश्चन फ्रेम करना सीखिए, और यकीन मानिए जब क्वेश्चन आप खुद फ्रेम कर लेते हैं तो बहुत आसान हो, जैसे एक एक करके, जैसे मेरे सामने ये है वैसे ही तो आपने भी तो कॉपी में लिखा है, नहीं लिखा हुआ है, तो जब मैं इसके बाद इसमें पहुंचूंगा तो मेरे दिमाग में जब आ रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग लाइसेंस टू वर्क एज डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि यहां से लॉन्ग क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का सेट कर सकता है, ये आना चाहिए एटीट्यूड, और ये अगर नहीं आया तो सफर मुश्किल है, इसीलिए ये चीज दिमाग में आना चाहिए। और खुद क्या करना चाहिए आपको, मैंने वर्क दिया है तभी नहीं, खुद लिखिए, और इसको ऐसे नहीं लिख करके, कैसे लिखिए, स्टेप वाइज, और उसके बाद अगर आपको लगे खुद से स्टेप को चेक भी कीजिए कि स्टेप में कुछ मिसिंग है नहीं, अगर कुछ मिसिंग है तो फिर स्टेप को ठीक कीजिए, क्या आपको खुद पता नहीं चलेगा स्टेप मिसिंग है या नहीं है, तो उसको चेक कीजिए। हाँ, अगर लगे कि फॉर्मेट में गड़बड़ कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल दिखाइए कि सर सही फॉर्मेट है और मुझे दिखलाइए, ऐसे कर करके चीजों को लिखिए। और कुछ जगहों पर, जैसे इनके केस में लाइसेंस है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट में, लेकिन डिपोजिटरी में लाइसेंस, हो सकता है यहां पे उनके दिमाग में कुछ चले और यहां पे जो है कुछ कंपनी या यहां पे एमसीक्यू जैसा चीज दे दे कि यहां 5 ईयर है तो डिपोजिटरी में भी दे दे कि लाइसेंस ऑफ डिपोजिटरी इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स पॉसिबल, और उसमें लिख दे 3, 4, 5 नो टाइम स्पेसिफाइड, तो क्या होगा, और सबको यही लगेगा नो टाइम स्पेसिफाइड, ये कौन सा आंसर है, ये तो नहीं होगा, सबसे पहले ये तो नहीं होगा कुछ भी हो, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह पे 5-5 साल आप पढ़ते जाएंगे 3-3 साल का, तो आप बोलिएगा इसको छोड़ो, सबसे पहले इसको उठाओ, इसको एलिमिनेट करो, जिसको सबसे पहले एलिमिनेट किया वही क्या निकल गया, जितने भी जगह पढ़ रहे हर जगह, ये 3 महीने वाली बात है, क्या एमसीक्यू के लिए हम यहां अपने आपको फोकस नहीं करेंगे, तो जब आप रिवाइज कर रहे हो ना तो पेंसिल अलग अलग तरह के कलर के पेन का इस्तेमाल करें, और यहां पे कहीं पे भी जैसे यही पॉइंट है तो कुछ नहीं, ऐसे ही एमसीक्यू और यहां पे बस मार्क किया। अब ये नहीं, मेरी बिटिया वाले स्टाइल में मत जो है वो पूरा का पूरा क्या कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा। अब हालांकि समझदार हो गए, पिछले दिन देखा था जब थोड़ा बोला तो अब ठीक से, क्योंकि अब क्वेश्चन भी पूछने लगा हूं ना उससे, तो वो भी सोचती कि क्वेश्चन पूछे रिवाइज करने बैठ रहे तो पता ही नहीं चल रहा क्या रिवाइज करें। अब देखिए वो उसको तेज कैसे बना रहा हूं, उसको मैं थोड़ा सा मौका दे रहा हूं कि वो मेरे माइंड को समझे, इसीलिए मैं क्वेश्चन पुस्तक जानबूझ करके उंगली रख देता हूं उसकी, अब तो उसने सारे को रंग दिया है,
तो क्या करूं, तो जानबूझ करके पूछने से पहले इधर वाले चेयर पर बिठाता हूं, ऐसे सामने बिठाता हूं जब मुझे उसे इनडायरेक्टली बताना है, क्योंकि मुझे पता है चोर नेचर की है, चोरी करेगी ही झांकेगी ही, तो मैं उसी के साथ खेलता हूं, उसी के नेचर के साथ, मुझे पता है ये झांकेगी ही, तो वो जो अभी इधर झांक रही होती कि अब क्या पापा पूछ रहे, इधर के चेयर पर बैठ करके दोनों इधर बैठे हैं कि बेटा अब कूलर लगा लेते हैं, गरीब आदमी ना एसी ज्यादा चलेगा तो पैसे खर्च होंगे, तो एक साथ ऐसे बैठे तो ऐसे हाथ रखा हुआ कि ये पूछे, समझिए अच्छा ये पूछने वाले हैं, अब वो समझ रही है कि इसका, तो इस तरह का क्वेश्चन पापा क्या करते हैं हमसे पूछते हैं। तो अब मैंने क्या देखा है कि उसने तो अब कलर मार लिया है, तो अब सबसे लास्ट में वो काम करे जो सबसे पहले करना चाहिए था, अब उस पर पेंसिल चला रही है, क्योंकि वो जो है वो पिंक कलर से है, जो पसंद छोटे बच्चे को बिटिया है तो थोड़ा पिंक वगैरह इसे पसंद है, तो पिंक से ज्यादा करके जो है वो कलर कर दिए, और उसका बताया भी था जैसा लिपस्टिक होता है उस तरह का मार्कर खरीदवाई, और उसमें क्या क्या नाम बोलती है, चार डांसर है, लीजा पीजा ऐसे ही कर करके, हाँ सब ब्लैक पिंक, और उसका सब खरीदवाती है कि डब्बा पे भी ये, बैग पे भी ये, डायरी भी वो, और उसी का सामान भी आता है, बच्चा थी तो छोटा भी इनका खरीदवाती थी जब ऐसे थी, अब धीरे धीरे ब्लैक पिंक और जो है वो कौन सा पर्पल पिंक जो भी हो, हाँ, और उसमें भी जो है वो पसंद करके रखेगी, स्कर्ट कोई जो रहेगा तो वो वही वाला रहेगा जो कहीं पे क्या किया हुआ है, देखा हुआ है। बोलता बेटा जो धूम मचाना है मचा लो, मचाना तो घर में ही है, बाहर तो क्या जाना है कैसे जाना है, वो ड्रेस कोड तो पहले से ही क्या है, तो जितना धूम मचाना है ऊपर से नीचे तक क्या करो, तो अपना जो है वो खुश होते रहती है, कभी नीचे मचा ली कभी ऊपर जा करके धूम मचा ली, और सामने में ही जो है वो कजन भी है, वो भी इससे 7 डेज की बड़ी है, तो आपस में ही मचा ली इधर से उधर तक, और उसमें जो है वो येलो का जो है वो रहता है कि तुझे ये वाला याद है, देख इसमें चेचा चूचा चेचू, कोरियन चल रहा है ये, लिटरली कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर कभी वो वॉशरूम में रहे आराम से जो वो बैठे हुए है, याद दिलाना पड़ता बेटा अब निकल जाए, अब रिविजन का टाइम हो गया, हाँ पापा आ रही हो तो दुखी हो क्या, तब तक 3-4 गाना जो है वो गा रही है, एकदम आपको धूमधड़ा का बाहर से जो है वो आ रहा है, खूब गाना चल रहा है, जैसे लोग कौन सा गाना, एक भी जो है वो ऐसा गाना नहीं, और पहले छोटी थी तो क्या होता था, छनम रे तू मेरा छनम रे, जो गाना बजता हुआ सुन लेती थी कहां पे, स्कूल जाते वक्त, और अब जो है वो उन लोगों से भी क्या करवाती है, मोबाइल पे जो है वो उनके ब्लूटूथ में कनेक्ट करवाते। मैंने बोला ये कौन सा गाना बज रहा, सर वो जानते हैं कि थोड़ा सा सर पूछेंगे हर चीज पे, क्या बज रहा था स्कूल वाले बस में, सर यही लोग बजवाते हैं। मैंने बोला अब तो बाद में क्लास लेना होगा, मतलब ये लोग जो है वो उन लोगों का क्या करते हैं, मोबाइल से ब्लूटूथ वाला स्पीकर जो लगा है उस पर खुद सर्च करके बोलते कौन सा गाना बजाओ, चाचा चेचे चोचो चाचा, कुछ नहीं समझ में आना है, और वो बज रहा होता है, कोई बस में बैठ के नहीं आता। मैं बच्चे को लेने गया था, एक दिन मैं दूर से थोड़ा देख रहा था सब बस में खड़े हैं, मुझे लगा कुछ हो गया है, या तो बारिश वरिश उधर कहीं होगी तो सीट क्या हो गया होगा, भींग गया है, छोटे छोटे बच्चे का अलग रहता है, जब बड़ी दीदी लोग उतर जाती तब इन लोगों का धूम मचता, वैसे तो डांट के रखती है और इन लोगों का हमेशा शिकायत रहता है, मतलब जो बड़ी हो गई वो बड़ी दीदी हो गई, अब ये लोग भी जो है वो छोटे बच्चे पे जुर्म करते हैं, अभी थोड़ा सा चलता है तो इन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं, छोटा छोटा बच्चा सब ऐसे ऐसे अपना हिल रहा है, और वो लोग कैसे तो रॉड पकड़ करके बस के बीच में जो रहता है, चार बच्चा चारों तरफ से ऐसे पकड़े हुए हैं और ऐसे ऐसे करके हिल रहे हैं, और ये लोग जो है थोड़ा ज्यादा जो है वो धूम में, तो अब उसका क्या रहता है, ऐसे करके जब उंगली रखता हूं तो वो देख लेती है कि पापा इस जगह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगले दिन देखता हूं वो सारा जगह करके रखते हैं। मैं बोला यही तो मुझे सिखाना है, तो चोरी के उसके टेक्निक से उसको कुछ अलग चीज बता रहा हूं, और वैसे अगर बोलता उधर बैठो तो ये नहीं सीख पाती, और बोलता कि बेटा इन चीजों को मार्क करना थोड़ा टाइम लगता, तो इसीलिए आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ऐसे बिठा बिठा करके नहीं पूछ सकता, तो आप ध्यान रखिएगा कि इन सारे जगहों का हमें क्या रखना है ध्यान। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तब होता है जब यहाँ पे मंथ है और कुछ जगह पे ईयर है। आप कहेगा नहीं सर आप ऐसे स्टूडेंट होंगे नालायक, हम तो बड़े होनहार हैं, तो ठीक है आप होनहार हैं विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन अगर कहीं 5 साल है ये और यहाँ पे 3 महीने है ये, तो हो सकता है कि यहाँ पे 3 साल में चला जाए और ये जो है वो 5 मंथ में चला जाए, क्योंकि हम जब एमसीक्यू में देंगे ऑप्शन तो हम ये दोनों चीज का ध्यान रखेंगे, हम गिचिर पिचिर करेंगे, समझ रहे हैं, इसका उसमें उसका इसमें, तो इसीलिए आप इन जगहों का ध्यान रखेंगे। 30 डेज को 30 डेज ही रहने देंगे, 1 मंथ नहीं रहने देंगे, क्योंकि हम लोग ऑप्शन में 30 डेज भी लिखेंगे और
वन मंथ में रखेंगे, और मजा आया तो 4 वीक्स भी रख सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे ईयर है तो 1 ईयर भी दे सकते हैं ऑप्शन में, 12 महीने भी दे सकते हैं, 365 दिन भी दे सकते हैं। अगर 1 ईयर है तो क्या होगा एमसीक्यू में, 1 ईयर ही होगा। चलिए, तो ऐसे कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। फाइनली अब हम लोग डिपोजिटरी सिस्टम के पड़ाव से मूव करते हैं, और अब हम कहां पहुंचेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक एक्सचेंज हम लोग 2 राउंड में करेंगे। फर्स्ट राउंड होगा पीपीटी राउंड, और सेकेंड हमारा होगा पीडीएफ राउंड जो आपके सामने रहेगा। पीपीटी राउंड का मतलब यह हुआ कि इसमें पहले जो है वो 4-5 चैप्टर हमें कवर करने, ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक एक्सचेंज का, क्योंकि कम लोग थोड़े हैं इसीलिए अभी ये चीज बता रहा हूं। कि अब जो है वो इसमें स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो 4-5 जो है वो क्या रहेंगे, 4 चैप्टर रहेंगे। हम लोग जब पढ़ेंगे, अगर मैं कोई भी एक चैप्टर उठा करके आपको पढ़ाया तो समझ में सब आएगा, लेकिन वो फील नहीं आएगा और कनेक्टिविटी नहीं रहेगा। जैसे देखिए, हमने पूरा का पूरा चीज पढ़ लिया, लेकिन कहीं सेक्शन से मारा, मैंने आपको पूरा डिपोजिटरी एक्ट पढ़ा दिया है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में भी इससे फर्क नहीं पड़ना है, वो हम आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं इसमें। लेकिन अगर इसको मैंने एक सीक्वेंस में बताया, कोशिश किया कि ये किस में जाए, एक फ्लो में थोड़ा सा जाता जाए, पहले ये, फिर प्रोसेस, फिर ये, फिर ट्रेडिंग करेंगे, फिर डिमेटलाइज करेंगे, ठीक वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि 4-4, 5-5 चैप्टर है, किसी में उसी में LODR भी है, उसी में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट भी है, उसी में इनसाइडर प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग है, उसी में जो है वो आपका लिस्टिंग एंड डिलिस्टिंग का भी प्रोविजन है। इतने सारे चीज जब है, उसको अगर एक चैप्टर बना के पढ़ाऊंगा तो दिक्कत होगा। तो क्या करेंगे, मैंने उसका बनाया हुआ अलग तरीके से, पूरा का पूरा पीपीटी एक कहानी में चलता जाएगा, और जब पूरा कहानी राउंड खत्म, पीपीटी राउंड खत्म हो जाएगा, तब हम लोग इसको उठाएंगे और तब लेकर के चलेंगे अपने नोट से जो आपके सामने रहेगा, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा बात को पढ़ेंगे जिसको कोरिलेट करना क्या हो जाएगा, आसान। उसमें देखिए कुछ चीज टिक लगता जाएगा कि ये तो सर हमने कर लिया पीपीटी राउंड में, नहीं पढ़ेंगे, टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे और एक जगह रुकेंगे कि देखिए ये इसीलिए हमने नहीं पढ़ा उस समय, क्योंकि उस समय इसको उतना डीप में बताता तो बाकी चीज का जो है वो कॉम्प्रिहेंशन ही मिस हो जाता। तो इसको हम इस तरीके से लेकर के चलेंगे, तो ये हम लोग काम करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल CMSL की आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।